नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं कपिल आपके साथ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की, जिन्होंने सीधा निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक परियोजनाएं महाराष्ट्र से छीनी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। उन्होंने कहा कि गुजरात से जो है वो आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी परियोजनाएं जो है वो गुजरात में शिफ्ट कर दी जाए। इससे पहले जो है उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर एक दो परियोजनाएं महाराष्ट्र से चली जाएंगी तो महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र चूंकि समृद्ध है और अगर बात करी जाए तो तमाम तरह की सुख सुविधाएं आर्थिक तौर पर भी यहां पर मौजूद है। इस वजह से एक दो परियोजना अगर महाराष्ट्र से बाहर जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी पर चुटकी लेते हुए संजय राउत ने कहा था कि जिस तरीके से राज ठाकरे बयान दे रहे हैं कि अगर एक दो परियोजनाएं बाहर जाती हैं, तो उन्होंने कहा पहले आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि पांच परियोजनाएं लगभग जो है वो महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी हैं। और संजय राउत पर भी निशाना, माफ कीजिएगा, उन्होंने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि जिस जो जुबान राज ठाकरे वो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नहीं है, बल्कि वो भाजपा की सुपारी जो है उन्होंने ले ली है, यानी कि भाजपा की तरफ से बातें रखने का उन्होंने एक तरह से ठेका ले लिया। इस तरह की वो बातें करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन और ताइवान की एक कंपनी थी, यानी कि फॉक्सकॉन और ताइवान की कंपनी तो फॉक्सकॉन है, उसके साथ साथ वेदांता समूह जो है ये दोनों मिलकर जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले थे। इंडिया की अगर बात करी जाए तो अब तक बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाई जाती है, तो इसको लेकर करोड़ों रुपयों की जो परियोजना है पहले महाराष्ट्र में आनी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रातों रात फैसला किया और इसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो परियोजना है उद्धव ठाकरे वाली सरकार के वक्त पे तय की गई थी, लेकिन शिंदे की सरकार बनी और ये परियोजना जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात जाती हुई दिखी। तो इसको लेकर उद्धव ठाकरे जो है, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे जो है वो लगातार निशाना साधते हैं नरेंद्र मोदी पर। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से परियोजनाएं एक के बाद एक जो है शिफ्ट की जा रही है गुजरात की तरफ या बाकी तमाम राज्यों की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सौतेला व्यवहार महाराष्ट्र के साथ हो रहा है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अपने बच्चों की तरह सभी राज्यों को लेकर आगे चलना चाहिए। एक मराठी जो है कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे थे राज ठाकरे। अब आने वाले वक्त में ये देखने लायक बात होगी कि जिस तरह से बीते दिनों राज ठाकरे का जो झुकाव है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, भाजपा की तरफ दिखाई दिया था, वो फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी जाकर मिले थे। तो क्या बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे भाजपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है, बीएमसी चुनाव में किसकी जीत होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।